अपने क्षेत्र के लोगों की राय लेते लेते हम काफ़ी सारे ग्रामीण क्षेत्रों में घूम चुके हैं, तो आज हम आए हुए हैं बिजनौर के शहरी क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बिजनौर क्षेत्र के एक मोहल्ले में हैं। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कुछ महिलाएं धूप का आनंद ले रही हैं। वैसे तो धूप कम निकल रही है आजकल, लेकिन थोड़ी धूप की है तो यहाँ पर कुछ महिलाएं भी दिखाई दी, क्योंकि हमने आज सोचा कि बिजनौर के मोहल्ले में आए तो कुछ महिलाएं हमें दिखाई दे रही हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या शहरी लोगों को भी कुछ समस्याएं रही हैं इस सरकार में, या फिर उनकी पसंद क्या रहेगी। तो आइए दोस्तों बातें करें इन महिलाओं से, किसकी सरकार आनी चाहिए। अब देखो बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, वैसे तो हमारे लिए तो बीजेपी है। अच्छा, आपके लिए बीजेपी, आपका वोट बीजेपी को जाएगा। हाँ, शुरू से ही जा गया है और अब भी कमल को ही जाएगा। कमल को ही जाएगा। तो आंटी कह रही हैं कि इन्हें बीजेपी से कोई शिकायत नहीं और इनका वोट जो है वो कमल पे जाएगा, बीजेपी का ही जाएगा। अच्छा, आपको बीजेपी अच्छी लगती है। हाँ। अच्छा, क्या अच्छा लगा आपको योगी सरकार में? सभी कुछ बढ़िया है, ये बीजेपी ने अपना सबको कोरोना में भी सबको राशन दिया है, सबको फ्री में सब कुछ सामान दिया है और सबकी सेफ्टी भी करी है। अच्छा। हाँ, उसने सब अपने काम बढ़िया करे हैं, इसलिए हम अपना वोट कमल के फूल को देंगे। कमल के फूल को देंगे। तो अच्छा, एक बार बताइए कि महंगाई भी तो बहुत हो गई है, आपके बजट पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्या? सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है, ये इस बारे में क्या कहेंगे? नाज भी तो दे रहा है, खाने के लिए हमें वो भी तो दे रहा है, चावल गेहूं वगैरह सब कुछ दे रहा है। अच्छा, तो आपको उसको इधर से उधर का लग रहा है? हमें तो बीजेपी तो देखिए इन्हें शिकायत नहीं है महंगाई से, बहुत से लोग कहते हैं बहुत महंगाई हो गई है, लेकिन इन दीदी को कोई शिकायत नहीं है। बीजेपी को दे देंगे। बीजेपी को दे दोगे? अच्छा, क्यों? बीजेपी सही है वैसे। अच्छा, सही है, गुंडागर्दी में काफी कम है। अच्छा, गुंडागर्दी में कम है, महिलाएं हैं और महिलाओं का कहना है कि गुंडागर्दी में कम है, सब आराम से रह रहे हैं। आप बताइए जी, हमारा वोट तो बीजेपी ही को जाएगा। अच्छा, बीजेपी को जाएगा। अच्छा, क्या खास बात लगी आपको बीजेपी सरकार में? खास बात ये लगी कि भाई योगी सरकार रही, मोदी सरकार रही, सबके लिए बहुत प्रोग्रेस किया है। अच्छा। और महंगाई तो क्या है, महंगाई तो होती रहेगी, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो सेफ्टी रही है, लड़कियां आजकल सड़कों पे निकल रही हैं, हर कदम पे आगे हैं, बहुत कुछ प्रोत्साहन दिया है। बहुत प्रोत्साहन दिया है। अच्छा, लेकिन जैसे बहुत से लोग तो कहते हैं, जैसे आप तो शहरी क्षेत्र में रह रहे हो, जैसे आप कह रहे हैं कि कोरोना में काफ़ी कुछ किया, तो यहाँ तो लोगों का कहना था कि ज़्यादा अच्छी सुविधाएं नहीं रही, लोगों की मौत बहुत हुई, ऐसा भी सुनने में आया था, तो आपको ऐसा नहीं लगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सेफ्टी जब तक अपने आप नहीं करोगे तो सरकार या डॉक्टर मतलब दूसरे के प्रोत्साहन नहीं करोगे, साथ में नहीं, मास्क नहीं लगाओगे, किसी चीज़ का मतलब करोगे नहीं, क्योंकि सरकार कुछ नहीं कर सकती। जी, बहुत अच्छी बात कही है इन बहन ने कि जब तक हम अपनी सेफ्टी अपने आप नहीं करेंगे तो सरकार आकर हमारी सेफ्टी नहीं करेगी, इसलिए थोड़ा सा हमें भी सरकार के साथ चलना चाहिए और थोड़ा अपनी सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर एक होते हैं वो अनुभवी होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, और सारी दुनिया उनकी देखी हुई होती है और इन्होंने पता नहीं कितनी सरकारें आती और जाती देखी होंगी अपनी आंखों के आगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। अम्मा, आपको क्या की बार? हमें तो यही अच्छा लग रहा है बेटी, पुरानी सरकार ना अच्छी लगी थी और ये जो आ रही है ये हमें तो ऐसी लगी कि हमारा भी जीवन पार हो जाएगा इसमें। मुलायम सिंह ने क्या करा जी? क्या करा मुलायम सिंह ने? कुछ नहीं करा, गुंडे गुंडे छोड़ दिए और मार जाओ और यो करियाओ और वो करियाओ, उसे कर कर आके कह दिया घर आ जाओ। अच्छा, गाय दी और जो स्टूडेंट उन्हें लैपटॉप दिया, ये सब कराया सपा सरकार में? हाँ, सब करा दिया ये। नहीं, ये तो सपा सरकार में हुआ था ना, और अभी हुआ ये तो। और ये इसमें तो कह रहे योगी सरकार में कि स्कूल ही बंद कर दिए उन्होंने तो कोरोना में, तो मजबूरी थी जो करनी पड़ी उन्हें। अच्छा, वो क्योंकि कोरोना फैल चुका था सारे शहर में। तो आपको इस बात की शिकायत नहीं है कि स्कूल बंद है? नहीं, मुझे कोई शिकायत, कोई शिकायत। आप बताइए आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए अब की बार? सरकार तो बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी की आनी चाहिए। हाँ। तो आपको कैसा लगा कामकाज बीजेपी का? पहली बात यह है, बच्चे किसी भी घर से बाहर चली जाती, लड़कियाँ डर नहीं लगता, पहले तो साथ साथ ट्यूशन जाते थे, ट्यूशन से लेने जाते थे, अब अपने आप ट्यूशन जाते हैं लड़कियाँ और आ जाती हैं, बिल्कुल चिंता नहीं होती, पहले बहुत चिंता होती थी। जैसे जो पुरानी पेंशन थी वो बंद हो गई, इसकी मांग भी उठा रहे हैं कुछ टीचर्स। पुरानी पेंशन तो बहाल होनी चाहिए, होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि वो तो बुढ़ापे का सहारा है एक तरह से, अब वो सहारा सरकार ने छीन लिया, ये तो नाराजगी है सरकार से। अच्छा। हाँ, तो इस नाराजगी को करने के लिए क्या कहीं और वोट नहीं जाएगा? इस नाराजगी को कैसे जाहिर करेंगे टीचर? नहीं तो जाहिर क्या करना है, पता है दूसरी सरकार में तो हम खुद सुरक्षित नहीं रहेंगे, बुढ़ापे का तो किसने देखा है फिर? अच्छा। बुढ़ापा ही कहाँ से आएगा, उस सरकार में तो सुरक्षित ही नहीं है, सुरक्षित इसमें कम से कम सुरक्षित तो हैं। जी, माना जा रहा है हमारी बहुत सारी बहनें हैं, माताएं यहाँ पर हैं और इन्हें महंगाई मुद्दा नहीं लगती, क्योंकि महिला के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो सुरक्षित रहे, उसकी बेटियाँ सुरक्षित रहें। और जैसा अभी हमें इन्होंने बताया कि जो बेटियाँ हैं इस सरकार में वो रात बिरात कहीं भी अकेले जा,
और उन्हें डर नहीं लगता अपने बच्चों को कहीं बाहर भेजते हुए। बात यहाँ पर योगी सरकार की जो उपलब्धि मानती है वो है महिलाओं की सुरक्षा। अच्छा आंटी, आप आपको क्या लगता है बार किसकी सरकार आनी चाहिए? नहीं चाहिए, भाजपा की। भाजपा की आनी चाहिए। तो अच्छा, यहाँ तो सारे भाजपा वाले दिख रहे हैं, आपको लग रहा है क्या लोक दल से तो आपके बिजनौर के नीरज चौधरी जी खड़े हैं? हाँ, खड़े हैं, लेकिन आनी चाहिए सरकार भाजपा की। अच्छा, तो आपका वोट, अच्छा ये बताइए कि योगी मोदी के नाम पे जाएगा, जो यहाँ विधायक खड़ी हुई है सूची जी, उनके नाम पर जाएगा? योगी जी के नाम पर। योगी जी के नाम पे जाएगा। अच्छा, आपको विधायक से कोई मतलब नहीं, चाहे कोई भी खड़ा हो जाता? काम तो हो जाना चाहिए, काम भाजपा की सरकार में। हिंदू सुरक्षित तो हैं जी जी जी। ये बताइए, वो लड़ाई झगड़े जो होते थे हिंदू मुस्लिम होती थी, वो तो नहीं हो रही? अच्छा, तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है, हमारी बिजनौर विधानसभा क्षेत्र में जो यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं उन्हें इस बात से कोई भी मतलब नहीं है। आपको क्या लगता है किसकी? वैसे में योगी जी की ये सरकार सही है। अच्छा, और उनका कार्यकाल भी ठीक रहा। मुद्दा जो है सुरक्षा है। अच्छा, मेन मुद्दा सुरक्षा है, और सभी को दे रही है, किसानों के लिए भी है। ऐसा नहीं किसानों के 8,000 या 6,000 रुपए पर ईयर आ रहे हैं जी जी, तो वो भी एक उपलब्धि है हमारे किसानों के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसानों के लिए नहीं कर रही है। अच्छा, गरीब हैं जो मतलब मजदूर टाइप के हैं, श्रम कार्ड वगैरह बने हुए हैं, उनमें भी पैसे आ गए हैं, कुछ टाइम लगता है आने में। जी जी। ऐसा नहीं कि मतलब जो चीज़ हम चाहें एकदम से ही आ जाए, खाना भी बनता है उसमें भी टाइम लगता है, तो थोड़ा टाइम देना चाहिए। मेरा ख्याल तो यही है कि भाजपा की तो सरकार ने तो इस समय वादा किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी, तो फिर क्या इस चीज़ का लालच नहीं है कि नहीं टीचर्स को? नहीं, वादे तो इलेक्शन के टाइम ये बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो यह है उन्हें पूरा कोई नहीं करता। अच्छा, हाँ, तो हमें विश्वास नहीं है उनकी बात पे बिल्कुल। अच्छा, वोट बीजेपी को? हाँ, वोट बीजेपी को ही जाएगा, क्या हो या ना हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आपका वोट पक्का बीजेपी? तो देखिए, ये एक मोहल्ला है बिजनौर का, आज ये शहरी मोहल्ला हम कवर कर रहे हैं, तो ये गांव के जो लोग हैं वहाँ पर भी जब हम घूमे तो मेन समस्या केवल हमें यही मिली कि जो छुट्टे जो बछड़े घूमे बछड़े तो उनसे परेशान है, बाकी काम काज में कोई कमी बताई। तो यहाँ पर भी सबसे बड़ा मुद्दा जो उठकर आया वो यह है कि सुरक्षा का मुद्दा, तो यहाँ का वोट तो बीजेपी को है। फिर किसी गली मोहल्ले में हम आपको मिलेंगे और वहाँ के लोगों की राय जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।